संसद में विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करती नजर आई। वहीं झज्जर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक गीता भुक्कल भी धरने में शामिल हुई। बीजेपी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। गीता भुक्कल ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया है। आज का जो ये प्रदर्शन है पूरे देश भर में हेडक्वार्टर जिला हेडक्वार्टर्स पर किया गया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। जिस प्रकार से संसद के शीतकालीन सत्र में एक जो है 146 सांसदों का जो निलंबन किया गया, देश के इतिहास में ये बड़ी खतरनाक घटना है, लोकतंत्र और संविधान के लिए अच्छा सूचक नहीं है। उसी को लेकर हमने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया है। हमारा ये प्रयास है कि जिस प्रकार से देश में तानाशाही चल रही है, आज आवश्यकता है लोकतंत्र को बचाने